दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को महान खिलाड़ी मानते हैं और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2025 के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने घोषित की चेन्नई की टीम के अंदर कर दिए कुछ ऐसे बड़े बदलाव जिसके चलते चेन्नई की टीम बन सकती है चैंपियन। जी हां दोस्तों, इस बार के आईपीएल 2025 के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हालांकि आईपीएल की नीलामी अब से कुछ ही दिन के अंदर होने वाली है, लेकिन इस बीच नीलामी के शुरू होने से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल 2025 के लिए टीम का ऐलान कर दिया है और टीम में कुछ ऐसे बड़े बदलाव कर दिए जिन्हें देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल 2025 के लिए टीम का ऐलान कर किन खिलाड़ियों को शामिल किया, ये तो आपको बताएंगे, साथ में पूरी टीम के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है? दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2025 को लेकर अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जहां पर अब सभी फ्रेंचाइजी ने अपने रिटेन खिलाड़ी की लिस्ट जारी कर दी है और बड़ी नीलामी के लिए पूरी तैयारी कर ली। हालांकि आईपीएल 2025 की नीलामी से पहले रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट के दौरान महेंद्र सिंह धोनी का नाम सबसे हैरान कर देने वाला नाम था, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी इस बार भी आईपीएल 2025 में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। ऐसे में अब खुद महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल 2025 की नीलामी से पहले चेन्नई की टीम का ऐलान कर दिया है और टीम के अंदर कुछ बड़े बदलाव कर सभी को हैरान कर दिया, जिसमें उन्होंने ओपनिंग करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया, जो काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में एक बार फिर से ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर बेहतरीन बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी है, जहां पर अब उनके ऊपर से कप्तानी करने की जिम्मेदारी को मुक्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, महेंद्र सिंह धोनी ने दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर डिवन कॉनवे को शामिल किया है, जो कि इस टीम के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए दिखाई लगातार दिए हैं। एक बार फिर से इनके ऊपर बेहतर प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी है। हालांकि उनका रिटेन नहीं किया गया क्योंकि अब ऋतुराज गायकवाड़ को 18 करोड़ रुपए में पहले रिटेंशन के तौर पर मौका दिया गया है। ऐसे में अब इनके ऊपर आरटीएम कार्ड का यूज हो सकता है। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए समीर रिजवी को शामिल कर लिया है, जो पिछले साल इस टीम के लिए खेलते हुए दिखाई दिए थे। ऐसे में अब एक बार फिर से इनके ऊपर बेहतर प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी है। ये बेहतरीन गेंदबाजी भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इतना ही नहीं, महेंद्र सिंह धोनी ने 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे को शामिल किया है, जिनको तीसरे रिटेंशन के तौर पर 12 करोड़ रुपए देकर चेन्नई की टीम के अंदर शामिल कर लिया गया। ऐसे में शिवम दुबे के ऊपर काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने की जिम्मेदारी एक बार फिर से रहने वाली है, जिसके चलते शिवम दुबे बेहतरीन प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित कर सकते हैं। इतना नहीं, 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए चेन्नई की टीम के लिए महेंद्र सिंह धोनी ऋषभ पंत को इस नीलामी में खरीदने वाले हैं, क्योंकि ऋषभ पंत एक बेहतर विकेट कीपर बल्लेबाज है, जो महेंद्र सिंह धोनी की गैर मौजूदगी में टीम को संभाल सकते हैं और इस बार कप्तानी भी अब ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पर कर सकते हैं। ऐसे में शामिल होने से चेन्नई की टीम को काफी ज्यादा फायदा मिल जाएगा। तो वहीं इनका साथ देने के लिए खुद महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे, जो अब अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी 5 साल से ज्यादा समय से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेले और नए नियम के तहत ऐसे खिलाड़ियों को अब कैप खिलाड़ी की जगह अब अनकैप्ड की सूची में रखा गया। इसी के साथ महेंद्र सिंह धोनी 4 करोड़ में रिटेन हो चुके हैं। तो वहीं रविंद्र जडेजा भी चौथे रिटेंशन के तौर पर 18 करोड़ रुपए में रिटेन हुए, जिसके चलते महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर शामिल किया, जो बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इतने नियम, महेंद्र सिंह धोनी ने सरफराज खान को भी शामिल कर लिया, जो टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें नीलामी में खरीदने वाले हैं। तो वहीं अर्शदीप सिंह को भी महेंद्र सिंह धोनी ने शामिल कर लिया है, जो टीम के लिए शानदार गेंदबाजी कर सकते हैं। इतने नहीं, महेंद्र सिंह धोनी ने मतीशा पथिराना को 13 करोड़ रुपए में चेन्नई की टीम के दूसरे रिटेन खिलाड़ी के तौर पर एक बार फिर से शामिल कर लिया, जो टीम के लिए मुख्य भूमिका निभाते हुए दिखाई देने वाले हैं। इतने नहीं, महेंद्र सिंह धोनी नीलामी में केएल राहुल को भी बतौर कप्तान के तौर पर खरीदने का प्रयास करते हुए इस बार दिखाई देने वाले हैं, जिसके चलते चेन्नई की टीम आईपीएल 2025 में चैंपियन बन सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आईपीएल 2025 में चेन्नई की टीम चैंपियन बन सकती है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को खतरनाक टेस्ट बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच में आया यशस्वी जायसवाल का तूफान। 13 शतक लगाकर यशस्वी जायसवाल ने रचा इतिहास। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला वार्म अप मैच खेला जा रहा है। इस दौरान यशस्वी जायसवाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित कर दिया है और अब 13 शतक के इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में अर्जित कर दिया है। तो आखिरकार कैसे यशस्वी जायसवाल ने अब जबरदस्त बल्लेबाजी करने के साथ सभी को प्रभावित कर दिया है, ये तो आपको बताएंगे ही, साथ में उनकी तूफानी पारी का वीडियो भी अब हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत में से कौन है सबसे बेहतर बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मैच भारत
के साथ पर्थ के मैदान पर शुरू हो चुका है, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और गेंदबाजी करने के लिए विरोधी टीम को आमंत्रित किया, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए यशस्वी जायसवाल ने काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित कर दिया, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने अपनी पहली ही गेंद पर चौका लगाने के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला और इसी तरीके से बेहतर बल्लेबाजी करते हुए सभी को अपना दीवाना बना लिया। जहां पर इस मैच के अंदर यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए पैट कमिंग्स के सामने लगातार तीन गेंद पर तीन चौके लगाते हुए अपने अर्धशतक के करीब पहुंचने का कार्य किया और बता दिया कि वो आज इसी तरीके से तूफानी बल्लेबाजी करेंगे। हालांकि ये तो कुछ भी नहीं था, इसके बाद काफी ज्यादा तूफानी बल्लेबाजी की, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने गेंदबाजी करने के लिए आए नेथन लायन को अपना निशाना बनाया और उनको एक ही ओवर में इतना ज्यादा परेशान कर दिया कि वो उसके बाद गेंदबाजी करने के लिए आगे नहीं आए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, गेंदबाजी करने के लिए आए नेथन लायन के सामने पहली गेंद सामने की तरफ चौका लगाया और दूसरी गेंद पर पीछे की तरफ चौका लगाया। इतना ही नहीं, तीसरी गेंद और चौथी गेंद पर कवर के ऊपर से चौका लगा दिया, तो वहीं ओवर की पांचवी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का लगाया और पांचवी गेंद पर छोटी गेंद का फायदा उठाते हुए पीछे की तरफ रिवर्स स्वीप के जरिए भी लंबा छक्का लगा दिया और इस ओवर के अंदर चार चौके और दो छक्के की मदद से 28 रन बटोर लिए, जहां पर पहले ही सत्र के अंदर यशस्वी जायसवाल ने अपना शतक पूरा कर लिया। जहां पर 12 ओवर में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं 21 ओवर में अपना शतक पूरा कर लिया, साथ में अपना 150 रन का आंकड़ा भी 34 ओवर के अंदर पूरा कर लिया। इतना ही नहीं, 47 ओवर में उन्होंने लगातार तीन गेंद पर तीन छक्के मिशेल स्टार्क को लगाने के साथ अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया, तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने 57 ओवर में अपना 250 रन का आंकड़ा दो रन लेने के साथ पार कर लिया। लेकिन इस बीच 68 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए यशस्वी जायसवाल ने तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड को लगातार दो गेंद पर दो चौके लगाए और दो गेंद पर दो छक्के लगाने के साथ अपना 13 शतक पूरा कर लिया। इस बीच यशस्वी जायसवाल ने रनआउट होकर अपना विकेट दे दिया, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने 70 ओवर में 31 चौके और 17 छक्के की मदद से 308 रन का योगदान दिया, जिसे देखकर भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ और ऐसे ही बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद आगे भी करने लगा। तो दोस्तों, इस मैच में यशस्वी जायसवाल की शानदार बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप भी ग्लेन मैक्सवेल को दुनिया का सबसे बेहतरीन T20 बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टीम को दूसरे T20 मैच में मिली शानदार जीत, तो दुनिया भर के दिग्गजों ने उड़ाया पाकिस्तान का मजाक, कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत मिल गई है, जिसके बाद दुनिया भर के दिग्गजों का बयान सामने आया है। इस बीच रिकी पोंटिंग, सचिन तेंदुलकर से लेकर शोएब अख्तर, महेंद्र सिंह धोनी ने ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद एक ऐसा बयान जारी किया है जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार ऑस्ट्रेलिया की बड़ी जीत के बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस T20 मैच में बड़ी जीत के असली हीरो कौन है, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है। इसके पहले मैच में तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत मिल गई थी, लेकिन जब दूसरा मैच सिडनी के मैदान पर खेला गया तो इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 147 रन 9 विकेट के नुकसान पर बना दिए और इसके पीछा करने के लिए आई पाकिस्तान की टीम ने 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना दिया। ऐसे में पाकिस्तान की टीम इस मैच में हार का सामना उन्हें करना पड़ा, जिसके बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने हैरान कर देने वाला बयान जारी कर दिया है, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान की टीम के खिलाफ एक बार फिर से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए T20 सीरीज को अपने नाम कर लिया है। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम की जीत के बाद लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को दूसरे मैच में पाकिस्तान की टीम की तरफ से चुनौती मिलने वाली है, लेकिन खराब प्रदर्शन कर दिया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की टीम के पास में काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाज और बल्लेबाज मौजूद है, जो अपने प्रदर्शन के जरिए सभी को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया से जीतना काफी मुश्किल है। तो वही रिकी पोंटिंग ने बयान देते हुए कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान की टीम के खिलाफ एक बार फिर से बेहतरीन प्रदर्शन कर दिया। जिस तरीके से, जिस प्रकार से पहले मैच के अंदर हमारी टीम की तरफ से सभी गेंदबाज और बल्लेबाज बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे, उसी बेहतरीन प्रदर्शन के चलते हमारी टीम को अब काफी ज्यादा मौका मिल गया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि हमारी टीम के पास में काफी ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद है और पाकिस्तान की टीम समझती है उनके पास सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन उनको अब ये समझना चाहिए कि हमारी टीम सबसे बेहतरीन टीम है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों की कमी के कारण हम वनडे सीरीज को हार गए थे, लेकिन T20 सीरीज हारने के लिए हमारी टीम तैयार नहीं है। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने पाकिस्तान की टीम का खराब प्रदर्शन देखने को मिला है, पाकिस्तान की टीम ने काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन करते हुए सभी को निराश कर दिया है, पाकिस्तान
की टीम से इस मैच के अंदर मुझे बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद थी, क्योंकि कोई भी टीम अगर एक मैच को हार जाती है तो उसके बाद में अगले मैच में वापसी करने का प्रयास करती है, लेकिन पाकिस्तान की टीम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर पाती है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की टीम बेहतर प्रदर्शन तो करने में असमर्थ रहती है, लेकिन विरोधी टीम को परेशान करने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहती है। हालांकि अभी भी पाकिस्तान की टीम को काफी ज्यादा सुधार करने की बेहद आवश्यकता है। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम के सामने हमारी टीम ने वनडे सीरीज को तो अपने नाम कर लिया था, लेकिन टी20